हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम गंगा दशहरा की कथा करने जा रहे हैं। जय गंगा मैया। गंगा माता का उद्गम विष्णु जी के चरणों में है। वहां से गंगा माता निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल में वास किया, उसके बाद शिव की जटाओं में आई। आइए हम इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। जय गंगा मैया। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ घोड़े की रक्षा के लिए उनके 60,000 पुत्र भी उसके पीछे पीछे गए। इंद्र ने ईर्ष्यावश उस अश्व को पकड़वा कर कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। सगर के पुत्र सब जगह खोजते हुए जब अंत में वे कपिल मुनि के आश्रम में गए तो वहां घोड़े देखकर शोर मचाने लगे और उनको बुरा भला कहा। कपिल मुनि को इंद्र के षड्यंत्र का पता न था, अतः उन्हें क्रोध आया और उन्होंने शाप देकर राजकुमार को भस्म कर दिया। बहुत दिन बीतने पर जब राजकुमार लौटकर नहीं आए तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को पता लगाने के लिए भेजा। उत्साही और कुशल अंशुमान ने घोड़े का पता लगाया और अपने पितृगणों की दुर्दशा भी देखी। उसे गरुड़ से यह भी ज्ञात हुआ कि भस्म हुए राजकुमारों का उद्धार तभी संभव है जब स्वर्ग लोक से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए और उनके पवित्र जल से इन सब की भस्म का स्पर्श कराया जाए। गरुड़ ने कहा कि पहले घोड़ा ले जाकर यज्ञ पूरा कीजिए। अंशुमान ने वैसा ही किया, पर स्वर्ग से गंगा जी का लाना आसान न था। पहले राजा सगर, अंशुमान ने और बाद में दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, किंतु सफल नहीं हुए। तब परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या करने गोकर्ण तीर्थ अर्थात हिमालय में गए। उनके तप ने देवताओं को विचलित कर दिया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ राजा के पास गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा अवतरण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री विष्णु की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि गंगा विष्णु जी के चरणों से ही निकलती है। तो उनकी आराधना करने पर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर पहुंचाना स्वीकार कर लिया, किंतु कहा कि गंगा जी की वेगवती धारा को भूतल पर संभालने का प्रबंध करना पड़ेगा। यह भी कहा कि उनकी धारा को केवल शिवजी रोक सकते हैं। तब राजा भगीरथ शिवजी को प्रसन्न करने में लग गए। शिवजी ने गंगा की वेगवती धारा को संभालने का कार्य अंगीकार करते हुए अपनी जटा से गंगा को रोका और बाद में जटा के अग्रभाग को निचोड़कर बिंदु के रूप में गंगा जी को बाहर निकाला। वह बिंदु शिवजी के निवास स्थान कैलाश के पास बिंदु सरोवर में गिरा। वहां पर गंगा जी की 7 धाराएं हो गई। 3 धाराएं हादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में तथा सुचक्षु, सीता और सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर चल पड़ी। 7वीं धारा राजा भगीरथ के साथ उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए चल पड़ी, किंतु मार्ग में राजर्षि जहनू का तपोवन था। वे तप में लीन थे। धारा ने जब उथल पुथल मचा दी तो जहनजी ने क्रोधित होकर मार्ग रोक दिया। फिर भगीरथ ने प्रार्थना की तो मुक्त कर दिया। वहां से गंगा माँ सगर पुत्रों के भस्मावशेष के पास पहुंची और उन्हें मुक्त करके समुद्र में मिल गई और भगीरथ वापस अयोध्या आ गए। जय गंगा मैया। हरे कृष्णा। श्री हरि श्री विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के चरणों का आशीर्वाद है गंगा मैया, जो हमारे पापों को भी हरती है और हमें परम पवित्र बनाती है। बोलो गंगा मैया की जय। तो यह कथा और भी काफी लंबी है, लेकिन हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे ठीक से समझ पाएं और सही तथ्यों के साथ। जय गंगा मैया। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी और जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपके लिए सहायक होगी। तो इसी तरह की और व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।
भगवत शरण चैनल में आपका सदैव स्वागत है। और आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं कि इस समय चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है, जो हमें परम पवित्र बनाता है, हमारे मन इंद्रियों को बिल्कुल शुद्ध बना देता है और हमें जीवन यापन करने के लिए सही मार्गदर्शन करता है। तो आप उसको भी सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता पाठ सुनकर अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। हरे कृष्णा।